सो हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है सेलिवरी ग्लैंड्स। एक्चुअली ये टॉपिक बड़ा लेंदी है डाइजेस्टिव सिस्टम, इस वजह से इसको हम थोड़ा सा कई पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा एक बार में हो जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सेलिवरी ग्लैंड्स एक ऐसी होती हैं जो कि हमारे मुंह में सीक्रेट सिचुएटेड होती हैं ग्लैंड्स, और ये क्या करती है, एक तरीके से एक सीक्रेशन का प्रोडक्शन करती हैं ना, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय 3 pairs ऑफ मेजर एंड माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेजर की बात करते हैं तो मेजर 3 types की होती हैं, जैसे कि पैरेटल ग्लैंड्स हो गई, सब मैंडिबुलर हो गई और सब लिंगुअल हो गई। सब मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरेटल ग्लैंड्स की, तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये मोस्टली लार्जेस्ट ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द फेस, जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ओके, और इसका जो वेट होता है अबाउट 20 to 30 grams इन एडल्ट्स में होता है, एंड सीक्रेशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स आर एम्पिटेड इन टू द ओरल कैविटी। इसका जो सीक्रेशन होता है वो ओरल कैविटी में निकलता है, किसके थ्रू, एक इसमें डक्ट होती है जिस डक्ट को बोलते हैं इस टेन सेन डक्ट। ठीक है, ये डक्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड में। ये क्या करती है, जो इससे सीक्रेशन निकलता है वो एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में जाता है, और डक्ट जो होती है करीब 35 mm to 40 mm तक लंबी होती है, एंड जो इसकी ओपनिंग होती है ये इनसाइड द चीक, इसकी जो ओपनिंग होती है इनसाइड द चीक, और ये हमारे जो अपर सेकेंड मोलर टूथ होते हैं वहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेटल ग्लैंड्स। अब हम बात कर रहे हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड या लोकेटेड इन सब मैक्सिलरी ट्राइंगल, है ना, ये कोड जो बनता है उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ट्राइंगल, मीडियल टू द मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल जो हमारी जॉल होती है ना, ये मैंडिबल एक तरीके से जो जबड़ा होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो मैंडिबल के मिडिल साइड में होती है, और ईच ग्लैंड इसका जो वेट होता है अराउंड 8 to 10 grams होता है। ठीक है, और इसका जो सलाइवा होता है, ये भी एक तरीके से सीक्रेट होता है, एक डक्ट होती है जो कि उसका नाम है वॉर्टन। ठीक है, वॉर्टन डक्ट होती है, ये सीक्रेट करती है। पहले वाले में कौन थी, स्टेंसन डक्ट, दूसरे वाले में वॉर्टन डक्ट। ठीक है, अब ये वॉर्टन डक्ट भी क्या करती है, ये भी सलाइवा को या जो इसका सीक्रेशन होता है उसको वॉर्टन डक्ट के थ्रू ओरल कैविटी में ओपन करती है। ठीक है, और इस जो डक्ट की लेंथ होती है अराउंड 40 mm होती है। ठीक है, एंड दिस डक्ट ओपन एट द साइड ऑफ द फ्रेनुलम। ठीक है, लिंगुअल फ्रेनुलम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके साइड में ओपन होती है। ठीक है, ऑफ द टंग बाई मीन्स ऑफ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द समिट ऑफ फेपला कॉल्ड कैरनकुला सब लिंगुअलिस। ठीक है, इसको हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक पेपला जिसको बोलते हैं, जहाँ पर टंग्स के जस्ट जो फ्रेनुलम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रैनुकुला सब लिंगुअलिस। ओके, अब बात कर रहे हैं अगर हम सब लिंगुअल ग्लैंड की, अभी हमने टॉपिक कवर कर लिया सब मैक्सिलरी, ये जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, अब अगर सब लिंगुअल ग्लैंड जैसे क्या होती है, ये जो हमारी ग्लैंड्स है, देखिए ये स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, और जिसका प्रत्येक जो हमारी ग्लैंड्स होती है इसका जो वेट होता है 2 to 3 grams होता है। ठीक है, और इसका जो सलाइवा होता है फ्रॉम दीज ग्लैंड्स इज पावर्ड इनटू 5 to 15 स्मॉल डक्ट। बिल्कुल छोटी छोटी डक्ट होती है इसमें, कई सारी करीब, है ना, 5 to 15 स्मॉल डक्ट होती हैं, उसके थ्रू सलाइवा हमारे टंग के नीचे, ठीक है, ओपनिंग होती है इसकी डक्ट की, और जो इसमें लार्ज डक्ट होती है जिसको बोलते हैं बार्थोरिन डक्ट, है ना। अब अगर हम बात करते हैं, इसको भी याद रखने वाली बात है, देखिए
इसमें हो गई है हॉर्टन डक्ट, ठीक है, ऊपर वाले में हो गई थी स्टेंसन डक्ट हॉर्टन डक्ट, और थर्ड वाले में है जिसमें कि 5 to 15 डक्ट होते हैं स्मॉल, जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस या डक्ट ऑफ रिवाइनस, ठीक है। ये स्मॉल डक्ट के लिए, स्मॉल डक्ट जो होती हैं उनको बोलते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी डक्ट भी बोलती है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। और ये क्या करती है, इट्स ड्रेन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड ओपन ऑन क्रैनुकुला सबलिंगुअलिस नियर द ओपनिंग ऑफ सब मैक्सिलरी डक्ट, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड्स में अगर देखते हैं हम, तो जो ये छोटे छोटे, ये इनको बोलते हैं एसिनाई, या फिर इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई भी होती है ना, जिस टाइप की जैसे लंग्स में देखा होगा लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना। सो एल्वियोलाई, या इनको बोलते हैं एसिनाई, ठीक है, एसिनाई। तो जो ईच एसिनस इज फाउंड बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स विच सराउंड सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी, और सेंट्रल कैविटी ऑफ ईच एसिनाई इज कंटिन्यूस विद द ल्यूमेन ऑफ द डक्ट। ये क्या करती हैं, छोटे छोटे जो हमारी एसिनाई होती हैं, ये एक तरीके से जब एक छोटी छोटी डक्ट में से निकलती हैं कोई, मतलब इसमें सीक्रेशन निकलता है, तो उनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट, और जब बहुत सारी इंटरकैलेटेड डक्ट एक साथ जुड़ती हैं तो उनको बोलते हैं इंट्रालोबुलर डक्ट, ठीक है। तो अगर हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर एसिनाई है, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। तो ये क्या करती हैं, एक जब इनकी जो डक्ट हुई है, ठीक है, तो ये जो डक्ट निकलती है, तो जब इन, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकैलेटेड, रुकिएगा, ठीक है, जो एसिनाई है इनकी डक्ट को हम बोल देते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है। अब जब ये बहुत सारी इंटरकैलेटेड डक्ट बन जाती हैं, मिल जाती हैं, तो अब इसको बोल देते हैं हम लोग इंट्रालोबुलर डक्ट, ठीक है। अब जब ये इंट्रालोबुलर डक्ट काफ़ी सारी मिल जाती हैं, तो एक फॉर्म बनते, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इंटर, ये इंट्रा था, ठीक है, ये इंटरलोबुलर है, ठीक है, इंटरलोबुलर डक्ट। अब जब ये इंटरलोबुलर डक्ट, ये पूरा जब ग्रुप मिल जाता है, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं रेसेमोस टाइप, ठीक है, याद रखिएगा RECEMOSE, रेसेमोस टाइप बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम लोग जैसे ये अंगूर का गुच्छा टाइप का है ना, तो बंच ऑफ ग्रेप्स, यही बोल सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिटेल में मत जानिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, बाकी और अगर जानना हो तो आप मुझको एक बार मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा भी जो इसके एंजाइम होते हैं ना, वो एंजाइम हमारे तीन टाइप के होते हैं मेनली, इनको याद रखिएगा, ठीक है। पहला है हमारा सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा जो है इसको बोलते हैं माल्टेज, ठीक है, और जो थर्ड होता है इसको बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये तीन एंजाइम होते हैं मेन जो पाए जाते हैं हमारे सलाइवा में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो नर्व सप्लाई है वो ग्लैंड्स को सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व टिश्यू से होती है, जिसमें कि पैरासिंपैथेटिक क्या करता है, सीक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है,
और जो सिंपैथेटिक सिस्टम सीक्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि सीक्रेशन को ये कम कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी सिंपैथेटिक सप्लाई हो रही है नर्व की तो वहाँ पर सीक्रेशन को कम हो जाता है, और जहाँ पर पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हो रही है वहाँ पर सीक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में क्या है कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेज है और जुगलर वेन्स जो होती है ना, इनके द्वारा ही ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द सलाइवा। तो अगर कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा में देखेंगे कि सलाइवा में होता क्या क्या है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, पहली बात कि माइक्रो सीक्रेशन ग्लैंड्स होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, इन दोनों से मिक्सर से बनता है हमारा सलाइवा, और ये करीब 1.5 लीटर पर डे इसका सीक्रेशन होता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है 1000 ml टू 1500 ml, ठीक है, या फिर 1 ml पर मिनट भी सीक्रेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो एक तरीके से pH है, ये भी याद रखने वाली बात है। आई थिंक इसमें है कि नहीं ये, पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पर इसका जो pH भी होता है ना, pH भी इसका 6.35 से लेकर 6.85 तक होता है। ठीक है, सलाइवा का। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हालांकि इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, ठीक, 1.002 से लेके 1.012 तक ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, अब इसमें जो देखें तो करीब 99.5% इसमें वाटर होता है। ठीक है, अब 0.5% कुछ सॉलिड होता है। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन होती है। अब देखते हैं कि जो हमारा 99.5% होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट हो गए 5% पे, एंजाइम्स में हो गए सिलिस्मा, जिसको म्यूकस, लाइजोम्स, लाइजोजाइम्स और इम्यूनोग्लोबुलिंस और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये पाए जाते हैं हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ द सलाइवा में। अब सीक्रेशन ऑफ सलाइवा की बात करते हैं, तो इसमें भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, बताया था कि सीक्रेशन को बढ़ा देती है। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि वेजो डायलेशन होगा। डायलेशन मीन्स चौड़ी हो जाएंगी जो डक्ट होंगी वहाँ की। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा सीक्रेशन होगा, और जिसमें क्या होता है कि पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती हैं ना, ये लाइजोजाइम्स का एक तरीके से सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, और जो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है ना, ये क्या करती हैं, ये सलाइवा को सीक्रेट करेंगे, बट इसमें क्या होता है, कार्बन मटेरियल प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा होता है। अब अगर बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सलाइवा, तो फंक्शंस में भी सलाइवा इज अ वेरी इसेंशियल डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ द फूड, या फिर एक तरीके से केमिकल जो भी है, प्रिपरेशन ऑफ द फूड फॉर सॉल्विंग, है ना, या फिर केमिकल डाइजेशन हो गया। ठीक है, जिसमें pH, इसमें हालांकि दिया गया है ऑलरेडी, इसमें pH 6.8 है ना। दूसरा है लुब्रिकेशन ऑफ द फूड, ठीक है, या टेस्ट। ठीक है, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग, ठीक है, ये भी होता है। किसका? सलाइवा का ही काम है, फंक्शन ऑफ द सलाइवा। ओके, देन है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जिसमें क्या है कि हमारे कुछ जो हम खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारे कुछ फॉरेन मटेरियल्स चले जा सकते हैं, जिनको जिनके लिए हमारे सलाइवा में लाइजोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन तथा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल जाता है बॉडी में हार्म करने के लिए, तो ये उनको मारने का या नष्ट करने का काम करते हैं। और जो नेक्स्ट है वो टेस्ट। ठीक है, टेस्ट भी कैसे होता है, कुछ जो वाटर एक तरीके से जो लार में हमारे एक जो पानी पाया जाता है वो इजीली डाइल्यूट हो जाता है जो भी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमको टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे फंक्शन। इनको और अगर डिटेल में चाहिए तो मुझे बताइएगा, हालांकि मैं अभी इसमें एक और
फ़ोटो लगा रहा हूँ मैं, उसमें देखिएगा कि किस किस तरीके से सलाइवा और कुछ सॉलिड्स कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, एक तरीके से एक इसको हम लोग थ्रोट भी बोलते हैं, ठीक है, और एक तरीके से चौड़ी और खोखली एक नली होती है, ठीक है, और जो क्या करती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड टू द लेवल ऑफ द सिक्स वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन, ठीक है, इतनी लंबी होती है फेरिंग्स हमारी। अब इसको मोस्टली क्या करती है, एक तरीके से सर्व एज ए बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों को एक तरीके से ये काम करती है, दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। अब इसको जो मेन है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला है नेजोफेरिंग्स, इसमें नोज़ एंड फेरिंग्स आते हैं, ठीक है, और ओरोफेरिंग्स में क्या, ओरल कैविटी आती है और फेरिंग्स आता है, और लैरिंगोफेरिंग्स में आता है आपका इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, लैरिंग्स है ना, और फेरिंग्स, ठीक है। डायग्राम भी देख लेते हैं, तो हमारा ये रहा नेसोफेरिंग्स, ठीक है, नोज एंड वो आपका फेरिंग्स को कवर कर रहा है, ओरोफेरिंग्स है ये माउथ का ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स को कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपका होता है साउंड बॉक्स, जिसको होता है लैरिंग्स, तो लैरिंगोफेरिंक्स ये लैरिंग्स और फेरिंग्स को भी कवर करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की, ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रेच जिसको बोलते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब, ठीक है, और ये ओपन होती है नेजोफेरिंग्स में, ठीक है, और ये हमारे ईसोफेगस के पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, और कुछ ऐसी हमारी वेसल्स होती हैं या लिम्फ्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिन्हें एडिनोइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ओरोफेरिंग्स की बात करते हैं, तो ये एपिगलेटिस तक का एक पार्ट होता है, देन लैरिंगोफेरिंग्स होता है, ये भी एक आपका फेरिंग्स के जस्ट पीछे वाला कंठ जहाँ पर बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, आवाज़ निकलती है वो वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो मेन जो होता है हमारा फेरिंग्स बहुत हेल्प करता है। ये क्या करता है, एक पहली बात ये कि इसकी जो लेयर है ये तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, वॉल ऑफ द फेरिंग्स मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो इसकी ब्लड सप्लाई है, तो ब्लड सप्लाई क्या करती है, इसमें फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन तथा जुगुलर वेन, ठीक है, इनके द्वारा ब्लड कलेक्ट होता है या इतनी सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं, तो नर्व सप्लाई में भी फेरेंजियल फ्लेक्सस में दोनों तरीके से सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, जो पैरासिंपैथेटिक में ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, अगर इसकी हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाने, तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है, और इसका जो पोजिशन होती है यह सिचुएटेड बिहाइंड द ट्रेकिया एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन एंड और मिड ऑफ द चेस्ट के में होता ही होता है, ठीक है। देन अपर पार्ट ऑफ जिसका होता है ईसोफेगस का कनेक्टेड विद द फेरिंग्स एंड लोअर पार्ट होता है वो स्टमक से कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड जो अपर स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एयर को स्टमक में जाने से, और जो लोअर स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, ये रहा अपर एंड लोअर स्फिंक्टर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ द ईसोफेगस की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ द ईसोफेगस में दिस इज मेड अप ऑफ 4 लेयर टिश्यूज, ठीक है, जिसमें कि आउटर जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, और जो सेकेंड लेयर होती है वो मस्कुलर टिश्यूज की बनी होती है, और थर्ड लेयर होती है वो सब म्यूकोसा लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है वो म्यूकोसल लेयर होती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई भी इसमें ईसोफेगल आर्टरी करती है, ठीक है, जो कि ब्रांच है किसकी, और एरोटा की ब्रांच है जो चेस्ट में सप्लाई कर रहा है, और जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, ये इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज है, वो भी एक तरीके से ईसोफेगस और स्टमक को भी सप्लाई करती है, ठीक है, और जो सीलियक या कुलियक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है,
ये भी क्या करती हैं, एजाइगस और हेमीएजाइगस वेन को सप्लाई करती है जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक में होती हैं। ठीक है, जो वेन्स हैं ये ऊपर आर्टरीज का था, ठीक है, जिसमें इसोफेगल आर्टरीज और इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ठीक है, और कोलियक आर्टरीज ये होती हैं। ठीक है, और जो वेन्स के हैं, वेन्स में एजाइगस और हेमीएजाइगस वेन्स होती हैं जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स में वेनस ड्रेनेज में ड्रेनेज होता है। ठीक है, खाली होता है एक तरीके से। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में भी सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व होती है, विच इज मेसेंट्रिक एंड सब म्यूकोसल फ्लेक्सेस। ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वेगस नर्व की ब्रांच होती हैं जो इसमें सप्लाई करती है नर्व, क्या नाम, इसोफेगस में। ठीक है, अब हम बात करें इसके फंक्शन ऑफ द माउथ फेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो इसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द बोलस, जो हम खाना खाते हैं उसको चबा चबा के एक तरीके से एक छोटे से काइम में बदल देता है, बोलस जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन है डिग्लूटेशन ऑफ या फिर स्वॉलिंग बोलते हैं जिसको, निगलना अंदर खाना या निगल जाना। ठीक है, इसके तीन पार्ट में ये प्रोसेस पूरी होती है। ठीक है, वॉलंट्री में क्या होता है एक तरीके से, वॉलंट्री में क्या होता है कि एक तरीके से हमारी जो बोलस को है ना, वो इसोफेगस में धक्का लगा कर पीछे के लिए खाना, वो जीभ से नीचे जाता है। ठीक है, और जो सेकंड है वो इनवॉलंट्री होती है, जिसमें क्या करते हैं कि जो बोलस होता है वो गोज़ इनटू ट्रेकिया। ठीक है, वो ट्रेकिया में जाने से रुकता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट प्लेट होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, और ये होती है सेकेंड, और थर्ड होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस की जो परत होती है वो बंद हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं इट इज़ ड्यू टू द बोलस, जो क्या करता है फेरिंग्स क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और पेरिस्टाल्सिस होता है जिसमें क्या करता है बोलस इसोफेगस से सीधा स्टमक में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इसोफेगस कंप्लीट होता है। ठीक है, और लेंदी है, इस वजह से मैं इसको शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो मुझको एक बार आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में इसका भी टॉपिक कवर करके दूंगा। ठीक है।